आने वाला नया साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। मिलेट्स मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराण नुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। आजकल युवा पीढ़ी हेल्दी लिविंग और ईटिंग को लेकर बहुत फोकस है। इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। कई लोग तो इसे सुपर फूड भी बोलते हैं। मेरा अपने किसान भाई बहनों से यही आग्रह है कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अधिक से अधिक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि आज कई ऐसे स्टार्टअप उभर रहे हैं जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ मिलेट कुकीज बना रहे हैं तो कुछ मिलेट पैनकेक्स और डोसा भी बना रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो मिलेट एनर्जी बार्स और मिलेट ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।